जय हिंद दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारतीय सेनाओं की वीरता की कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो आज हम उन्हीं के सम्मान में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र के बारे में जानने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या होता है परमवीर चक्र, इसे कब और क्यों दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान होता है। यह सम्मान भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह सम्मान सेनानियों को युद्ध में शत्रु के सामने अद्वितीय साहस, अद्भुत वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। और जहां तक बात है इसकी बनावट की, तो यह पूर्णतः कांस का बना होता है और इसकी जो व्यास होती है वो 35 मिलीमीटर होती है। वहीं इस चक्र के एक भाग पर अशोक स्तंभ और इंद्र का वज्र भी बना होता है और वहीं इस चक्र के दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में परमवीर चक्र लिखा होता है और बीच में इस चक्र के बीच में कमल का फूल भी बना होता है। यह हमेशा बैगनी फीते के साथ ही इस्तेमाल में आता है। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इसका डिजाइन एक विदेशी मूल के महिला ने किया था जो स्विट्जरलैंड की रहने वाली थी। और दोस्तों, यह भारतीय संस्कृति अपनाने के बाद सावित्री के नाम से जानी गई। दोस्तों, इस गौरव को प्राप्त करने वाले सेनानियों की संख्या 21 है और इस गौरव को सबसे पहले प्राप्त किया था मेजर सोमनाथ शर्मा। दोस्तों, जब ये मेडल प्राप्त होता है तो इस मेडल के साथ साथ एक निश्चित राशि भी दी जाती है और पहले से मिल रहे पेंशन और भत्तों की राशि में बढ़ोतरी कर दी जाती है। परमवीर चक्र पाने वाले सेनानी या उसके परिवार वालों को कई अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे रेल यात्रा में, हवाई यात्रा में, बैंकिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कई अन्य तरह के सुविधाएं प्राप्त है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।